हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। यहाँ पर जो आप लोग देख सकते हैं कि क्या कॉलेज में प्रवेश परीक्षा होगी, तो इसी से रिलेटेड आज वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। ऐसी बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, तो मैं पूरी बातों को अपनी वीडियो के माध्यम से क्लियर करूँगा ताकि आपको कुछ बातें समझ आ सके। आज आप देख सकते हो कि मैं 2-3 दिन से लगातार कुछ वीडियो पे इसी पे ही टॉपिक फैला रहा हूँ और ज़्यादातर चीज़ें क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी मैं बातें क्लियर करूँगा। तो बस आप सबसे एक गुजारिश, वीडियो शुरू से अंत तक बने रहें ताकि पूरी बातें आपको समझ में आ सके। हरियाणा में कोई भी कॉलेज हो या कोई भी, वो सब आजमगढ़ यूनिवर्सिटी के अधीन हो चुका है। आजमगढ़ और मऊ के अकॉर्डिंग जो भी कॉलेजेस हैं वो अब आजमगढ़ यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग हो चुका है, जिसमें ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये तो बात आपको मालूम है। लेकिन यहाँ पर जो फॉर्म भरने का क्राइटेरिया था, फॉर्म भरने से रिलेटेड भी यहाँ पर अपडेट दिया गया है। तो एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ तो ऑलरेडी ये आ ही चुका है। जैसे एग्जामिनेशन फॉर्म पे आप क्लिक करते हो, तो क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर फॉर्म को जाके भरते थे। आप सेकेंड सेमेस्टर के फॉर्म तमाम भरते थे। डेट यहाँ देख सकते हैं कि डेट यहाँ मौजूद है, यानी अंतिम तिथि 5 जुलाई 2022 तक विकसित की जाएगी और इतने फॉर्म टोटल भरे जा चुके हैं। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर है। तो इसमें कॉमन क्या है? तो दोस्तों, जिस कॉमन की बात मैं कर रहा हूँ, अब यहाँ से आप समझने की कोशिश करिएगा। तो मैं यहाँ पे इसको घेरा बना, देख सकते हैं कि यहाँ पे एडमिशन 2022 के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो अब इसका क्या मतलब, ये चीज़ यहाँ क्यों जोड़ी गई है, तो मैं उसको ही बताते चलूँ ताकि आपको पूरी बात समझ में आ सके। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब एक लिंक जनरेट कर दिया गया यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, यानी अब जो भी एडमिशन होंगे वो कॉलेज के थ्रू होकर सीधा यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यानी यहाँ पर अब क्राइटेरिया ये है कि यूनिवर्सिटी उन चीज़ों को हायर करेगी। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी उन चीज़ों को कराएगी, उसके बाद ये सारी चीज़ें, खैर अभी ये नोटिस अवेलेबल नहीं हुई है, नोटिस आ जाएगी और देख सकते हैं कि उसके बाद उनका यूजर पासवर्ड तो कॉलेज के पास है। तो ये सारी चीज़ें हैं, यानी अब आपको यहाँ पर जो भी एडमिशन्स होंगे वो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग होना है, ना कि अब कॉलेज के अकॉर्डिंग होगा। जो भी प्रोसेस है, जो भी चीज़ है, वो सब यूनिवर्सिटी अपने अंडर में लेकर उन चीज़ों को धीरे धीरे पूरा करेगी। यहाँ पर जो एंट्रेंस की बात है, अब एंट्रेंस की बात भी जल्द से जल्द क्लियर हो जाएगी कि एंट्रेंस होगा कि नहीं होगा, ये भी बातें आ जाएगी। लेकिन एडमिशन का पोर्टल यहाँ एक्टिवेट कर दिया गया है, देख सकते हैं एडमिशन 2022 के सेशन से लिखा जाएगा, यानी अभी जो सेशन शुरू हुआ है उसके बाद ये तुरंत उस चीज़ को फॉलो करके कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, यही एक बात ही सोच आपको रूबरू करा दूं, क्योंकि अब यहाँ पर फॉर्म भरने से रिलेटेड जैसे जैसे धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होंगी, तो आपको बहुत सी बातें क्लियर होती हुई चली जाएंगी। बस थोड़ा आप वेट करें, क्योंकि मैंने अपनी चीज़ों को बताने की पूरी कोशिश की है। और सेशन यहाँ देख सकते हैं कि पोर्टल दिया गया है और सूचना भी यहाँ कुछ नहीं, तो जल्दी यहाँ सूचना भी अपडेट होगी तो आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। सॉरी दोस्तों, तो मैं आपको यहाँ बताता चला था कि जैसे ही होगा सारी अपडेट आनी शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर काफ़ी इजी वे में आपको करता जाएगा, बस थोड़ा सा वेट करिए। ठीक है, तो ये एक अपडेट थी, सोच आपको बता दूं। दोस्तों, और भी चीज़ें हैं जिसके लिए लेकर मैं अपडेट पे बना हुआ, और भी अपडेट अगर आती है तो मैं आपको लेकर हाजिर हो जाऊँगा। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें।